इसराइल ने फलस्तीनियों के खिलाफ हमले तेज किए हैं। ताजा तरीन कार्रवाई के अंदर चार जो मुख्तलिफ फलस्तीनी थे उनको शहीद करने का भी दावा किया है इसराइल ने, और चार मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार किया है। इतलात यह है कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनका ताल्लुक इस्लामी जहादी तहरीक फलस्तीन से बताया जा रहा है, और इस्लामी जहादी तहरीक के एक ठिकाने को इसराइल ने तबाह करने का दावा किया है। इसराइल का यह कहना है कि ये जो इनका हाइड आउट मिला था यानी ठिकाना तबाह हुआ है, ये अरब का एक इलाका है जिसका नाम नजारात था। ये इसराइल के अंदर एक अरब के बहुत बड़ा इलाका है, यानी यहां पर सारे के सारे अरबी लोग ही रहते हैं जिनका ताल्लुक ज्यादातर का हमास इस्लामी जहादी तंजीम फलस्तीन के साथ होता है। तो इसराइल ने वहां पर आज इसराइल के अंदर कार्रवाई की है, तो उसके नतीजे में कुछ असले के खेप बरामद हुए हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार वहां से किया है, और इसराइल का यह मानना है कि अब इस्लामी जहाद लोगों को भर्ती कर रहा है यहां अरब के जो नजरात का इलाका है इसराइल के अंदर, वहां पर सारे अरबी हैं, तो अरबियों को यह जंग के तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं और भर्ती कर रहे हैं और अपने जंगजू सलाहियतों के अंदर इजाफा कर रहे हैं। इसराइल ने कार्रवाई करके ना सिर्फ उस ठिकाने को तबाह किया बल्कि चार लोगों को, चार फलस्तीनियों को शहीद किया है, चार को जख्मी करके नामालूम जगह पर मुंतकिल किया है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जैसे जैसे इसराइल फलस्तीनियों के ऊपर हमले तेज करता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया के अंदर इसराइल की इज्जत भी बढ़ रही है। फलस्तीनी बेचारे अब दुनिया की तरफ देख रहे हैं कि कौन उनकी मदद करेगा। खैर, आपको यह भी बता दें कि इस्लामिक जिहाद तंजीम जो फलस्तीन की है, उन्होंने भर्तियां करनी शुरू कर दी हैं। नजारात का एक इलाका है जिसमें सारे के सारे अरबी रहते हैं, वहां पर भर्ती शुरू कर दी है। इसराइल ने दावा किया है कि वहां पर चार लोगों को हमने जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है, चार को शहीद किया है। तो आपको यह भी बता दें कि वहां पर एक इस्लामिक जिहादी फलस्तीन का एक ठिकाना भी था, उसको भी इन्होंने तबाह किया है, वहां से असले की खेप मिली है। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जिसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई है। पिछले दो माह से इसराइल ने यहां पर ऑपरेशन चला रहा है, और ऑपरेशन चला के तकरीबन अगर हम बात करें फलस्तीन की, तो फलस्तीन की जो आम आवाम है उन्होंने भी हथियार उठाए हैं। जिस तरह के हथियार उनके पास है, खसूसन वो छुरी से, चाकू से या फिर कल्हाड़ी से जो राह गुजरते यहूदी जाते हैं, सोहनी जाते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। आज एक फलस्तीनी ने चाकुओं की हमला करके चार इजरायलियों को जख्मी कर दिया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि हालात किस तरीके के खराब हो रहे हैं। जगह जगह रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं, टायर जला के रोड बंद कर दिए गए हैं। जहां पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज नजर आते हैं, अवाम क्या खवातीन बूढ़े बच्चे सब निकलते हैं बाहर और उनके ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसराइल काफी डरा सा में बैठा हुआ है।